मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर बुधवार को 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 22,000 मजदूरों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको फल, बिस्किट, लंच पैकेट और पानी की बोतल देने के बाद उनको उनके जिले के बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को बैठाकर रवाना किया गया। इस संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद उनका डिटेल नोट किया जा रहा है। उसके बाद उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को उनके जिलों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। सभी का लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया जा रहा है। स्टेशन पर यूपी के कई मंडलों के यात्री आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक विनोद, कमलेश विश्वकर्मा, मनीष कुमार और अपर नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह ने कहा, कमलेश विश्वकर्मा। कहाँ जाएंगे? क्राकोल घाट। सब चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? परिंदा। मनीष कुमार। सहजनवा बाबू जाना है। सरकार द्वारा आए सर यहाँ तक। घर जा रहे हैं आप? अच्छा ही लग रहा है सर। ट्रेन जो आ रही हैं उनके सभी यात्रियों का पंजीकरण करके और उनको पानी, नाश्ता, खाना दिला के और संबंधित बसों में जहां उनको जाना है वहां के लिए बसें लगाई गई हैं, उन बसों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। यहां पे लगभग पूरे प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, यहां तक के सभी यात्री आ रहे हैं और उनके लिए अपने राज्य की सीमा तक या उनके जनपद, संबंधित जनपद तक बसों को लगा के पहुंचाया जा रहा है। आज की तिथि में प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ये तीसरी ट्रेन है। एक आई थी सुबह 2 बजे, उसके बाद एक 7:30 बजे, एक अभी आई है। ट्रेनें तीनों प्लेटफॉर्म पे कुल मिला के जो प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 18 ट्रेनें आनी है। इस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ट्रेनें आवश्यकता अनुसार भेजी जा रही हैं।
और उन कुल जितनी 18 ट्रेनें हैं उनको इन्हीं प्लेटफॉर्मों पे भेजा जाएगा।